बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई जिसपे प्रधानमंत्री मोदी और गुजरात दंगों को लेकर कुछ सवाल उठाए गए, कुछ आक्षेप लगाए गए। उस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया, लेकिन ठीक 29 दिन बाद चिरपरिचित स्क्रिप्ट के अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी का सबसे प्रबल फ्रंटल इनकम टैक्स बीबीसी के दफ्तर आज इंडिया में पहुंच गया। कहते हैं रेड नहीं हुई, हमने सर्वे किया। आपने जो भी किया, आपने दुनिया को दिखा दिया कि आप वाकई में बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि जो आपने किया है वो एक घबराया हुआ तानाशाही करता है। दिस इज हाउ पीपल रिएक्ट व्हेन दे पैनिक। आपने इस देश के अधिकांश मीडिया को चरण चुंबक बनाने का काम किया है। आप उनसे कहिएगा बैठ जाओ तो वो लौटने को तैयार है। लेकिन अब आपने जो बीबीसी के साथ किया है वो आपका असली चाल चरित्र और चेहरा दिखाता है। वो दिखाता है कि 22 अप्रैल 2014 को जब गुजरात के मुख्यमंत्री और इस देश की प्रधानमंत्री बनने की होड़ में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मीडिया स्वतंत्र होना चाहिए, मीडिया को डरना नहीं चाहिए, और अगर कभी मीडिया डरा तो मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा, आपके एक्शंस उसके बिल्कुल विपरीत है। आप मीडिया के ऊपर रेड करते हैं, लेकिन कहां तक सवालों से बचिएगा? इस पूरे देश पर आप इनकम टैक्स की और ईडी की और सीबीआई की रेड करा दीजिएगा। आज देश आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है, चाहे वो अडानी पर हो, चाहे वो बेरोजगारी पर हो, चाहे वो महंगाई पर हो, चाहे वो गरीबी पर हो, चाहे वो आर्थिक असमानता पर हो, चाहे वो बुलडोजर चलाने वाली उन सरकारों पर हो जिसको आप तथाकथित डबल इंजन की कहते हैं। लेकिन आप पर अब मुझे तरस आने लगा है, क्योंकि आप एक बौखलाए हुए, घबराए हुए तानाशाह हैं। व्हाट यू आर डूइंग मिस्टर मोदी इज व्हाट पीपल डू व्हेन दे पैनिक। आई पिटी यू। मुझे तरस आता है आप पर कि आपको बीबीसी के दफ्तर पर एक रेड और एक सर्च, जो भी आप कहना चाहिए, करानी पड़ी, क्योंकि सवालों से आप बौखला गए थे। लेकिन ये सवाल तो देश पूछ रहा है और जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा।